स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल में लोन साहिल। आज हम बात करने वाले हैं द जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर यानि डल लेक के बारे में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डल एक लेक है जो श्रीनगर में वाका है और यह समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। दूसरे अल्फाजों में इसे कहा जाता है द जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर्स जिवल। दोस्तों, डल लेक बहुत सारे टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ खास वजूहात हैं। पहला, जो डल का पानी है वो सूरज की किरणों से चमकता है, जिससे फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स और टूरिस्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और डल की तरफ खींचे चले आते हैं। इतना ही नहीं, जो डल है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेंटर माना जाता है वाटर सपोर्ट्स का। दोस्तों, डल जाना जाता है इसकी बहुत सारी बोट्स की वजह से। और दोस्तों, इतना ही नहीं, डल में बहुत सारे चिनार ट्रीज और स्नो कैप पीक्स वगैरह होते हैं, जिससे डल और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बन जाता है। दोस्तों, डल में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए जो बहुत मज़ेदार भी है और इंटरेस्टिंग भी है, जैसे शिकारा राइड। दोस्तों, अगर आप डल लेक जाओगे कभी तो शिकारा ज़रूर ट्राई करना। दूसरा है हाउस बोट स्टे। दोस्तों, अगर आप कभी डल लेक जाओगे तो हाउस बोट स्टे ज़रूर करना। दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डल लेक में करने के लिए, जैसे फ्लोटिंग मार्केट, सनसेट एट द लेक, मुगल गार्डन्स, फिशिंग और वॉक अराउंड भी है। दोस्तों, डल एक अर्बन लेक है जो दूसरी बड़ी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस है श्रीनगर में, जहाँ टूरिस्ट्स भी और लोकल्स भी विजिट करते रहते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, डल में मुख्तलिफ किस्म के फूल पाए जाते हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा और नाम भी बताऊंगा। कैंडिडा, दूसरा निम्फोइडस पेल्टाटा, तीसरा सल्विनिया नटनस, चौथा हाइड्रोचेरिस दूबिया, पांचवा निम्फेइया एसपी और छठा पोटामोजिटॉन नटनस। ये सारे ऑक्यूपाई करते हैं 29.2% ऑफ द लेक। दोस्तों, मैं आपको कुछ रिव्यूज दिखाऊंगा जो जो भी वहां गया है। दोस्तों, अगर जम्मू जाना जाता है इसके मंदिरों की वजह से, इसी तरह कश्मीर भी जाना जाता है इसी फेमस डल लेक की वजह से और मुगल गार्डन्स की वजह से।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।